बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर जो हेल्थ से रिलेटेड चैनल हैं वो महीने में हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। जैसा कि ये भाई साहब हैं, ये महीने में तकरीबन 29,000 डॉलर कमाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल नया आया है, इसको यूज़ करके हम भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। वीडियो किस तरह की बनेगी, आइए देखते हैं। A heart attack, also called myocardial infarction, occurs when one or more coronary arteries that supply blood to the heart muscle are blocked. 5 tips to reduce heart attack are here. First, vessels and the risk of atherosclerosis, a leading cause of heart attacks. Second, exercise regularly to maintain a healthy weight, lower cholesterol levels, and reduce blood pressure. Third, eat a healthy diet rich in fruits, देखते हैं वीडियो को, कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी के ऊपर सर्च किया कि व्हाट इज हार्ट अटैक और इसको किस तरह से 5 तरीकों से कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे उसने अपनों को आंसर जनरेट करके दे दिया और वो तरीके भी बता दिए। नेक्स्ट आपने क्या किया, हैजीन के ऊपर चले गए हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, यहाँ पे आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे वीडियोस के, जिनको आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं, उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करके टेक्स्ट वगैरह अपना ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने इसके अंदर चले गए एवेटार के अंदर, क्योंकि हमें एवेटार सेलेक्ट करना है जो कि हमारा टेक्स्ट बोले। यहाँ से आपने लैंडस्केप मोड क्लिक किया और उसके बाद आपने अपना एवेटार सेलेक्ट किया है जो कि टेक्स्ट बोलेगा जो कि हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया। इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि इस जो हमारी वीडियो है उसके एक साइड पे चला जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना वो टेक्स्ट पेस्ट किया जो कि चैट जीपीटी से हमने जनरेट किया था। नेक्स्ट हमने यहाँ से वॉइस सेलेक्ट किया है, जिस तरह की वॉइस हमें चाहिए, फीमेल की चाहिए, मेल की चाहिए, क्योंकि हमारा जो एवेटार था वो मेल था, तो हमने यहाँ से मेल सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने जो हमारी ऑडियो थी उसको प्ले करके चेक किया जो कि जनरेट हुई है, क्या है कि उसके साथ मैच कर रही है या नहीं। तो जब ये हमने चेक कर लिया तो उसके बाद लास्ट काम जो हमने इस के ऊपर किया है वो ये है कि आपने यहाँ पे बैकग्राउंड जो है उसको आपने ग्रीन कर दिया, ताकि बाद में क्रोमा की को यूज़ करते हुए इस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकें। जब ये सारा काम हो गया तो उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक किया और आपने यहाँ पर वीडियो पोर्शन के अंदर जाके अपनी ये जो वीडियो है, जो 1 मिनट की वीडियो है, इसको आपने डाउनलोड कर लिया। जब आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे तो नेक्स्ट आपका जो काम है वो ये है कि आपने पिज़्ज़ा बे पे चले जाना है। पिज़्ज़ा बे पे जब आप जाएंगे तो यहां पे आपको फ्री में कॉपीराइट फ्री वीडियोस मिलती हैं और इसके अलावा इमेजेस भी मिलती हैं। तो यहां से हार्ट अटैक से रिलेटेड आपने इमेजेस और जो वीडियोज़ हैं वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले मैंने जनरल हार्ट अटैक लिखा है और इससे रिलेटेड वीडियो आ गई, तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड क्वालिटी डिफरेंट है, जिस तरह की आपको चाहिए वही से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री हैं। आप इनको किसी भी वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो काम था वो ये था कि मैंने उसके प्रिवेंशन मेथड में था कि स्मोकिंग से आपने बचना है, तो मैंने वो वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर ली है। उसके बाद मैं टेक्स्ट को देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था दूसरा मेथड के एक्सरसाइज आपने रेगुलरली करनी है, तो मैंने उसकी भी वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर ली। फूड से रिलेटेड वीडियो थी वो मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद लास्ट जितने भी थी वीडियोस उनको मैंने एक फोल्डर के अंदर प्लेस करके एडिटर के अंदर ऑन कर लिया, यानी उन सबको मैंने वीडियो एडिटर के अंदर ओपन किया, यहाँ से क्रोमा की मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद पीछे उनकी रेलेवेंट वीडियो अपलोड कर दी है और आगे जो है हमारा एवेटार्स बोर्ड है, और इस तरह से एडजस्ट किया कि रेलेवेंट जो टेक्स्ट था उसके पीछे रेलेवेंट वीडियो हो। सबको एडजस्ट करने के बाद मैंने यहाँ से उसको एक नाम दे दिया और उसको एक्सपोर्ट कर लिया। लास्ट में हमने इसके ऊपर सबटाइटल ऐड करने के लिए vid.io पे चले गए और यहाँ से अपनी वो जो एक वीडियो बनी थी जिसमें हमने सबको कंबाइन किया था उसको अपलोड किया और ऑटो सबटाइटल के ऊपर क्लिक कर दिया। जब हम यहाँ से ये करेंगे तो उसके बाद यहाँ से आपका सबटाइटल यहाँ पर आ जाएंगे, आप स्टाइल वगैरह में जाके सबटाइटल की मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह से आपको चाहिए। यहाँ से आप इसका साइज एडजस्ट करेंगे कि किस साइड पे आपको सबटाइटल चाहिए, उसका स्टाइल एडजस्ट करेंगे कि आप सबटाइटल किस तरह से प्रिपेयर हो, और लास्ट में जब आप ये सारी सेटिंग कर लेंगे तो अपने डन पे क्लिक कर देना। यहाँ से आप अपनी एक्सपोर्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर सबटाइटल लगे हुए हैं। ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर था, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप किसी भी किस्म की वीडियोज़ बना सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ से रिलेटेड, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिस तरह की आपको वीडियोस चाहेंगी आपको यहां से मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।